तो वेलकम टू गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमसिंह टेक्निकल चैनल पर कुछ छोटे छोटी वीडियोस और छोटे छोटे ट्रिक्स। अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो आपको आज हम तीन फैक्टर बताएंगे विंडो 11 के जो बेस्ट एंड बेस्ट है। सबसे पहले अगर आपको हम लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर दिखाते हैं पहला फैक्ट। अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो बहुत ही सिंपल, आपको दबाना है विंडो अल्ट एंड आर बटन। ऐसा दबाने पर विंडो रिकॉर्डिंग फीचर इनेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये विंडो स्टार्ट हो गई है, या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या बटन दबाना है? विंडो अल्ट प्लस आर। ये दबाने पर आप स्क्रीन को कैप्चर करना शुरू कर सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पर आ गया है तीन बटन दबाने से, केवल विंडो अल्ट और आर, और ये रिकॉर्ड विंडो रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन कैप्चर हो रही है। देन इसे स्टॉप कर देते हैं तो ये जो मेरी स्क्रीन है ये रिकॉर्ड हो गई है और ये क्लिपबोर्ड में चली गई है। विंडो और जी बटन दबाएंगे तो आपको ये दिखाई भी देगा कहाँ गई है। ये जी क्लिप बटन है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रिक्स थी आपके लिए। दोबारा बता दें, कोई भी स्क्रीन जिसको आप कैप्चर करना चाह रहे हैं उसे कैप्चर करने के लिए विंडो 11 का इनबिल्ट किसी भी थर्ड पार्टी टोन डालने की जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या दबाना है? विंडो ऑल्ट एंड आर बटन। आप ऐसा दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह आपको बता रहा है कि माइक यूज करना है कि नहीं करना। ये देखिए, अब हम इस विंडो होम स्क्रीन पर कोई भी काम करेंगे तो वो दिखाई देगा, विंडो क्लिप बोर्ड रिकॉर्डिंग। तो ये आपके ब्राउजर पर जो भी आप काम करोगे वो इस ट्रिक से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। हम यहाँ पे कुछ भी और ओपन करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं। सपोज हमने google.com ओपन किया तो google.com ओपन हो गया। कुछ भी एवरीथिंग हम चलाते हैं तो वो हमारी स्क्रीन पर कैप्चर कर लिया जाएगा। और अगर इसे स्टॉप करना है तो वेरी सिंपल, ऐसे आप स्टॉप कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड में जाकर सेव हो गई अब क्लिप आप। तो ये देखिए स्क्रीन पर, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जो क्लिप हमने अभी बनाई है ये आपके सामने रिकॉर्ड हो गई है और आप प्ले करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको बंद किया, ये गूगल क्रोम खोला और ये गूगल हमने खोली, ये पूरा का पूरा स्क्रीन इसने कैप्चर कर लिया है। हमें किसी भी थर्ड पार्टी टूल की आवश्यकता ही नहीं है इस काम के लिए। तो ये काम विंडो के अंदर इनबिल्ट फीचर से हो सकता है, जिसके लिए अभी तक हमें कुछ थर्ड पार्टी टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते थे, इसकी जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बेहतरीन फीचर, विंडो और एच बटन। अगर आप विंडो और एच बटन दबाते हैं तो एक कमाल का इनबिल्ट फीचर और एक्टिवेट होगा, वॉइस कमांडिंग। ये देखिए, हेलो, वॉइस कमांडिंग। आप कुछ भी विंडो में टाइप कर सकते हैं वॉइस के जरिए। देखिए, गूगल्स पे आपने जो भी ब्राउजर, जो भी स्क्रीन खोल रखी है वहां पर ऑटोमेटिक टाइप होना शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गूगल के अंदर ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है। आपको क्या दबाना है? विंडो और एच बटन। जैसे दोबारा दबाएंगे वो रुक जाएगा, जैसे दोबारा दबाएंगे शुरू हो जाएगा। सपोज ये तो मैंने ब्राउजर खोल रखा था, अगर मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, वर्ड खोल लेता हूँ, एवरीथिंग कुछ भी खोल लेता हूँ और क्या दबाना है मैंने? विंडो और एच बटन। तो हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं? तो ये इंग्लिश तो समझता है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज है, तो क्योंकि ये इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज पर ही काम करेगा। तो जैसे अभी हम दोबारा दबाते हैं, विंडो रेच बटन दबाया, हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल एंड सब्सक्राइब। गाइस, बहुत ही बेहतरीन फीचर है विंडोज 11 का इनबिल्ट। आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में खड़े हैं, आपको टाइप करना है, आपको केवल कीबोर्ड से दबाना है विंडो एच बटन और आपका वो चीज टाइप होना शुरू हो जाएगा, और उस टाइपिंग आप वॉइस के जरिए कर सकते हैं। मगर अभी इस फीचर में केवल, अगर इसकी सेटिंग में जाके देखेंगे तो इंग्लिश ही इसके अंदर है और इस वजह से दूसरी लैंग्वेज नहीं आ पा रही है। तो ये छोटा सा भी प्रॉब्लम है और इन फ्यूचर इस पे भी और काम होगा और इसमें मल्टी लैंग्वेज भी डाल दी जाएगी।
दो बेहतरीन फीचर हमने आपको बताया। तीसरा फीचर, मान लीजिए आप ब्राउजर में क्या करते हैं, आपने ब्राउजर में ब्राउजर खोला और कुछ काम कर रहे हैं। सपोज मान लो आपने google.com खोला, देन आपने क्या खोला, देन आपने yahoo.com खोला, देन आपने क्या किया, etc कोई और वेबसाइट खोला, कुछ भी आप खोलते गए और वो खुल रहा है। मगर ये तो था ब्राउजर में, अभी आप गए विंडोज एक्सप्लोरर में। मान लीजिए आपने सी ड्राइव खोला, डी ड्राइव खोला, तो इसमें भी आप विंडो प्लस एच दबाकर, सॉरी एक्सप्लोरर प्लस टैब, आप मल्टीपर जो आपकी ओएस ये है विंडोज है, इसको जैसे आप खोलते हैं तो ये भी आप ब्राउजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या दबाना है, विंडो प्लस टैब, आपकी सारी विंडोज आपके सामने आ जाएंगी। ये पहले भी ये फीचर था, जितने ओएस आपने खोल रखे हैं वो सभी के सभी आपको दिखाई देंगे, ये इसमें भी है और आपको दोबारा भी दिखाई दे रहे हैं। एक बेहतरीन फीचर लास्ट में, जिसे हम बोनस पॉइंट कहेंगे, तीन बताने थे, चार बता रहा हूं। चौथा बेहतरीन फीचर, आप स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल कर वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा वॉल्यूम है, ये कम हो रहा है, ये अप हो रहा है, इसकी मदद से, ओनली फॉर स्क्रॉल। आप स्क्रॉल बटन, माउस में जो स्क्रॉल बटन है उसकी मदद से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बेहतरीन फीचर है विंडोज 11 का। आप कभी भी वॉल्यूम कम या ज्यादा करना चाहते हैं किसी भी मोड पर, कि माउस का स्क्रॉल बटन को घुमाएं और आपका वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाएगा। तो ये तीन फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए थे विंडो 11 के, जो आपको हमने बता दिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और भी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक यू एंड बाय बाय।